मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है और कई अच्छे गुणों से सवारा है। इसलिए मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है, परंतु सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। इसे कहते हैं कि कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। यह हम इकाई 4 कथनी और करनी पढ़ने वाले हैं, इसलिए कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलना। हो कथनी करनी एक समान, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान, जग में मिलता तब सम्मान। विद्यार्थी मित्रों, जब हमारी कथनी और करनी एक समान होगी तभी तो हमें सम्मान मिलता है। दूसरों को कुछ कहे और करे कुछ और, यह बात ठीक नहीं है। आओ देखें कैसे। किसी एक सज्जन ने खुली जगह में कुछ पौधे लगाए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। टहलते हुए लोगों को भी फूल बहुत पसंद लगने लगे, परंतु पौधे लगाने वाले सज्जन को लगा कि लोग फूल तोड़ ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक तख्ती पर लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। कोई फूल नहीं तोड़ता, पर मजे की बात तो तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देख लिया। किसी के बिना कुछ पूछे ही अपनी शर्म मिटाने के लिए उन्होंने कहा, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। दूसरा उदाहरण देखो। एक यात्री बस में बीड़ी पीने लगा, देखते ही कंडक्टर ने उसकी बीड़ी फेंकवा दी और बोला, भाई साहब धूम्रपान वर्जित है। परंतु थोड़ी ही देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर की केबिन में गया और दोनों बीड़ी पीने लगे। उसे देखते ही यात्री ने कहा, भाई साहब धूम्रपान वर्जित है। कंडक्टर शीघ्र बोला, यह वाक्य आपके लिए, हमारे लिए नहीं। अब तीसरा उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, स्कूटर पार्किंग में खड़ा कीजिए। व्यक्ति ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक रुकना नहीं है, सामान लेकर चला जाऊंगा। पर दुकानदार नहीं माना। उस व्यक्ति ने पार्किंग में जाकर अपना स्कूटर खड़ा किया। थोड़ी ही देर में दुकानदार का लड़का आया और ठीक दुकान के सामने स्कूटर पार्क करके चला गया। उस व्यक्ति के सामने पूछने पर दुकानदार ने कहा, यह तो मेरा बेटा है। अब चौथा उदाहरण कि कुछ लोग आदर्श की बात करते हैं, लेकिन वे कभी नहीं अपनाते। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र आए, दोनों बातें कर रहे थे। तब किसी ने दरवाजा खटखटाया। खिड़की से झांककर देखा तो मकान मालिक पिछले 4 महीने का किराया मांगने आया था। उन्होंने अपने छोटे बच्चे को कुछ समझा कर बाहर भेज दिया। मकान मालिक ने बच्चे से कहा कि पिताजी से कहो मैं किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। मकान मालिक और मित्र हंसने लगे और सज्जन शर्म से पानी पानी हो गए। तो बच्चों, अब एक आखिरी उदाहरण है, सुनिए। वर्तमान परिस्थिति में हमें कई बार कई जगह लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वे सज्जन अपने पोते के साथ जल बिजली का बिल भरने गए। वहाँ लंबी कतार थी। सज्जन ने देखा कि आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने तुरंत उनके पास जाकर कहा, बेटा यह लो, तुम बिजली बिल तो घर पर ही बोल आए थे। बिल और पैसे उनके हाथ में थमा दिए।
पोता कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। सुनकर लोग हंसने लगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए, नहीं तो हमें हंसी के पात्र बनते हैं। अब कथनी और करनी में अंतर, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कथनी और करनी में अंतर, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। धन्यवाद।